हेलो एवरी वन वेलकम टू टू सेशन आई एम काजोल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टीवशशिप थेरी अंडर कॉरपोरेट गवर्नेंस थियरीज तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस थेरीज के अंदर ही एजेंसी थेरी को डिस्कस कर लिया था और उससे पहले हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर ही इसके कन्सेप्ट को फोर पिलर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस को और गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी डिस्कस कर लिया है तो अब हम यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस थेरीज के अंदर थ्योरी को डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो अब यहाँ पे जो थ्योरी है, वो यहां थे डोनाल्डसन एंड डेविस तो अब यहाँ पे जो स्टूअर्टशिप है, वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिव है एजेंसी थेरी का ही तो आई होप आपको यहाँ पे एजेंसी थेरी जो है वो समझ में आया होगा इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था तो अब यहाँ पे स्टीवर्डशिप ये डोनाल्डसन एंड डेविस ने दी थी तो अब यहाँ पे जो स्टीवर्डशिप थेरी है इसमें स्टीवर्ड का मीनिंग है अर्सन हु इज अपॉइंटेड टू मैनेज तो पे स्टूवर्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन जिसको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है तो अब यहाँ पे स्टूवर्टशिप थ्योरी को हम यहाँ पे एजेंसी थ्योरी से ही समझ सकते हैं ऐसा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है वो एक्चुअली ऑल्टरनेटिव है एजेंसी थ्योरी का ही तो आपको याद होगा एजेंसी थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ओनर्स एंड मैनेजर्स के बीच में और हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे हम एजेंसी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं तो अब यहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट है ओवर एजेंसी थ्योरी और ये

के थ्रू वो वहाँ पे मिस यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का भी तो ये सब यहाँ पे हमने एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था तो अब स्टीवर्डशिप थेरी जो है वो इसका ऑपोजिट है यहाँ पे स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर ये एजम्पन है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे सेल्फिश नहीं होते अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते और वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका मिस भी नहीं करते यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे उनको जो रेपुटेशन है उनकी उनके लिए वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं और वो यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्क करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है वो जो हमने एजेंसी थ्योरी के अंदर इसकी एग्जाम्पन्स को देखा था उसका ऑपोजिट एक्जम्पन्स है यहाँ पर स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं पर यहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं होता यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करेंगे उनको वहाँ पे कंसर्न होती है उनकी खुद की रेपुटेशन के लिए भी इसीलिए वो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का मिसयूज नहीं करते इनसाइडर ट्रेडिंग को परफॉर्म नहीं करते जो हमने एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था वेज इन विच अ मैनेजर कैन मिस हिज और हर पावर और पोजिशन तो वैसे ही यहाँ पे स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर इसका ऑपोजिट है यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहां पे कंसर्न होते हैं फॉर दियर रेप्युटेशन इसीलिए वो यहां पे अपनी पावर और पोजिशन का जो मिस यूज है वो नहीं करेंगे तो अब यहां पे हमने एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी उनको परफॉर्म करेंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कंट्रोल का, का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वैसे ही यहाँ पर स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर जो स्टीवर्ड है वो यहाँ पे मैनेजर्स के लिए ही यूज़ हुआ है क्योंकि मैनेजर्स ही अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो अब यहाँ पर एजेंसी थेरी के अंदर जो एग्ज़म्पन्स थी वो ये थी कि यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो सेल्फ़ इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं और वो यहाँ पे जो ओनर्स के इंटरेस्ट हैं उससे डिफरेंट इंटरेस्ट होता है मैनेजर का उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए वो कंसर्न नहीं होते वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए कंसर्न होते हैं तो अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो मैनेजर्स होते हैं ट्रस्ट वर्दी होते हैं और वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए भी कंसर्न होते हैं वो सिर्फ यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेल्फिश रीजंस की वजह से ही वर्क नहीं करते उनको यहाँ पे कंसर्न होता है अपने रेपुटेशन के लिए भी तो इसीलिए वो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस कर सकता है तो ऐसे एक्ट्स को यहाँ पे मैनेजर्स परफॉर्म नहीं करते तो इसीलिए यहां पे स्टीवर्डशिप थियरी के अंदर ऐसा बोला गया कि मैनेजर्स जो हैं वो सेल्फिश नहीं होते यहां पे इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो अब मैनेजर्स और ओनर्स जब सेम ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेंगे तो इससे यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा ही नहीं और कोई भी एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो भी अराइज नहीं होगी मैनेजर्स और ओनर्स के बीच जैसा हमने यहाँ पे एजेंसी थेरी के अंदर स्टडी किया था कि यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे और यहाँ पे उनके जो इंटरेस्ट हैं मैनेजर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो ओनर्स के इंटरेस्ट से डिफरेंट होते हैं इसीलिए यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज होता है तो इसीलिए इसको बोला गया स्टीवर्डशिप थेरी को कि ये एक ऑल्टरनेटिव था एजेंसी थेरी का जिसमें यहाँ पर ये एजाम्सन था कि मैनेजर्स जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं उनको भी यहाँ पे अपनी रेपुटेशन के लिए कंसर्न होती है और यहाँ पे मैनेजर्स और ओनर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करते हैं यहाँ पे मैनेजर्स के लिए उनकी रेपुटेशन जो है वो भी मैटर करती है उसके लिए भी वो कंसर्न होते हैं तो यहाँ पर जो स्टीवर्डशिप थियरी है इसको यहाँ पर ट्रस्टीशिप छरी भी बोल सकते हैं अब ऐसा इसी लिए है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं देखते बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं जो हमने आपको याद होगा हमने एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था कि जो प्रोमोटर्स हैं जो कि कंपनी को फॉर्म करते हैं वो यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करते हैं और इसीलिए यहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट के लिए कंसर्न होते हैं लेकिन यहाँ पे स्ट्यूअर्टिप थेरी के अंदर ऐसा बोला गया कि जो कंपनी है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना हो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं सिर्फ शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि यहां पे कंपनी के ओवरऑल ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो इसीलिए यहाँ पे ट्रस्टशिप थ्योरी थे के अंदर या फिर स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है मैनेजर्स के साथ यहाँ पे हम सिर्फ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे मैनेजर्स के साथ कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं बॉन्ड साइन कर सकते हैं मैनेजर्स के साथ कि वो अपनी पावर एंड पोजिशन का मिस नहीं करेंगे ये हमने यहाँ पे एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था तो अब स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर ऐसा बोला गया कि यहाँ पे हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है मैनेजर्स के साथ और इसीलिए यहाँ पे कंपनी को एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखना चाहिए और इसीलिए मैनेजर्स जो होंगे वो यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर की फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि जो कंपनी का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वर्क करेंगे उसके लिए वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यहाँ पर जो मैनेजर्स होंगे उनके लिए ये अवॉर्ड यूज़ हुआ है स्ट्यूवर्डशिप थेरी के अंदर और इसीलिए यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो जो कंपनी के एसेट्स होंगे और ऑपरेशंस होंगे उसको मैनेज करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए परफॉर्म करेंगे तो अब यहाँ पे जैसे हमने एजेंसी थेरी के अंदर इसके एजाम्पन्स को डिस्कस किया था कि कुछ एजाम्शन्स हैं एजेंसी थेरी के अंदर जिसमें हमने देखा था कि जो मैनेजर्स हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होंगे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे ही यहाँ पर स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर भी कुछ एजाम्पन्स हैं जिसमें यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो यहां ट्रस्ट ट्रस्टवर्दी होंगे और वो यहां पे सिर्फ एज एजेंट वर्क नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए बल्कि वो यहां पे कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कंपनी के लिए वर्क करेंगे यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे वो यहाँ पे सिर्फ एज एजेंट फॉर द शेयर होल्डर्स नहीं कि वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे तो सिर्फ़ यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए एज एजेंट वर्क नहीं करते बल्कि वो यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कंपनी है कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसके लिए वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स की जो रेपुटेशन है वो भी अटैच्ड होती है उनकी परफॉर्मेंस के साथ कि वो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनकी जो रेपुटेशन है इसे डायरेक्टली रिलेटेड होती है और यहाँ पर जो उनकी ट्रस्ट है वो भी तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट नहीं होंगे सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं करते तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराइज नहीं होता यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं और जो ओनर्स ऑफ द कंपनी हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनके यहाँ पर सेम ही ऑब्जेक्टिव होते हैं क्यों उनको यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके लिए वर्क करना है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करना है तो अब यहाँ पे सेकेंड इजम्पन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो यहां पे इन इफेक्टिव होगा कंपनी के लिए तो अब यहां पे एजेंसी थेरी के एजाम्शंस में हमने देखा था कि यहां पर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसके अंदर यहाँ पे ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए जो कंपनी के अंदर मैनेजर्स नहीं हैं तभी वो यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर पाएंगे वरना वो यहाँ पे एज मैनेजर्स अगर वो वर्क करेंगे तो फिर वो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे होंगे इसीलिए हमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर मैनेजर्स जो नहीं है ऑलरेडी कंपनी के अंदर उनको अपॉइंट करना चाहिए जिसको हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोल रहे थे तो इस एग्ज़ाम्शन को हमने एजेंसी थेरी के अंदर डिस्कस किया था तो अब इसका ऑपोजिट एग्जाम्पन यहाँ पे स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर है कि यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना इनफेक्टिव होता है यहां पर एक्सम्शन था स्टीवर्डशिप थी या फिर ट्रस्टिस के अंदर कि यहां पे हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्योंकि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वो यहां पे एफिशिएंटली वर्क करेंगे और ये प्रूवन है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं अगर उनको हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे जिसमें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो ऑलरेडी मैनेजर्स हैं कंपनी के अंदर तो वो यहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कंपनी की सक्सेस जो है उसके लिए बेनिफिशियल होगा तो इसीलिए यहाँ पे स्टीवर्टशिप थ्योरी के अंदर यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना इन इफेक्टिव होगा ऐसा यहाँ पर स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर एजाम्शन था जो कि ऑपोजिट है एजेंसी थ्योरी के तो अब जब यहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर ऐसा बोला गया कि एक्चुअली कोई एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगी ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होगा ही नहीं हम ये क्यों एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करेंगे यहाँ पे हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी भी जो रेपुटेशन है अपनी भी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसको भी इंक्रीज करना होता है उसके लिए भी कंसर्न रहना होता है तो वो यहाँ पे ऐसा कोई एक्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे ही नहीं जिससे यहाँ पे कंपनी को कोई लॉस हो या उसके रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट हो तो इसीलिए यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करेंगे और इसीलिए यहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर मैनेजर्स हैं उनको हमें यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना चाहिए जो कि कंपनी की सक्सेस के लिए बेनिफिशियल होगा सो दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड इजम्पन कि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं उनको एम्पावर करना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली कंपनी के ही बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं हमें यहां पर मैनेजर्स को कंट्रोल या फिर मॉनिटर नहीं करना चाहिए हमने देखा था कि वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं कि उनको यहाँ पे मैनेजर्स को भी मॉनिटर करना है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को तो परफॉर्म नहीं कर रहे जो कि कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकती है कंपनी के लिए लॉस मेक कर सकती है तो इसीलिए लिए यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं जब हमने ये डिस्कस किया स्टीवर्डशिप वर्डशिप थेरी के अंदर कि जो मैनेजर्स होंगे वो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही वर्क करेंगे तो इसीलिए हमें मैनेजर्स को एम्पावर करना चाहिए रैदर देन कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग दें तो इससे यहाँ पर शेयर होल्डर्स का जो एनर्जी है वो सेव होगा उन पे जो ओवर बर्डन हो रहे हैं वो यहाँ पे मैनेजर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने में वो भी यहाँ पर नहीं होगा जो कि हमने एजेंसी थियरी के अंदर डिस्कस किया था तो वैसे ही यहाँ पे स्टीवर्डशिप थियरी के अंदर मैनेजर्स को एम्पावर करना चाहिए ना कि उनको कंट्रोल या फिर मॉनिटर करना चाहिए इससे शेयर होल्डर्स का जो टाइम है वो सेव होगा वो यहाँ पे ओवर बर्डन भी नहीं होंगे तो अब यहाँ पे एजेंसी थियरी और स्टीवर्डशिप थियरी के अंदर हमने डिफरेंस देखा कि यहाँ पे जो मैनेजर्स के लिए प्रिजम्पन है वो डिफरेंट है जो एजम्पन हमने डिस्कस करे वो डिफरेंट है यहाँ पे मैनेजर्स के लिए एज्यूम किया जाता है कि वो अपॉर्चुनिस्ट होंगे यहाँ पे मैनेजर्स के लिए एज्यूम किया गया है कि वो यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी होंगे तो ऐसे ही यहाँ पर एजेंसी थियरी और ट्रस्टीशिप थियरी के अंदर यहाँ पे सिमिलैरिटीज भी हैं कि यहाँ पे एजेंसी थेरी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ऑडिटिंग कर सकते हैं शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है जो पोजीशन है उसका डिस्क्लोजर होना इम्पोर्टेंट है फेयरनेस होना चाहिए तो वैसे ही यहाँ पर स्टीवर्डशिप थेरी के अंदर भी है कि यहाँ पर भी आप ऑडिटिंग कर सकते हैं जो शेयर होल्डर्स होंगे यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो भी फाइनेंशियल पोजिशन है उसका डिस्क्लोजर होना इम्पोर्टेंट है तो कुछ डिफरेंसेस के साथ साथ यहाँ पे यही सिमिलैरिटीज़ थी एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर तो आई होप आप इन दोनों ही कॉरपोरेट गवर्नेंस थ्योरीज को समझ गए होंगे तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेक होल्डर थ्योरी को डिस्कस करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू